नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। इस वीडियो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो सितंबर के महीने में है। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें आपका पूरा सितंबर माह का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बोला, ये सितंबर माह का करंट अफेयर्स है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत मध्य प्रदेश में कब से कब तक जन अभियान चलाया जाएगा। तो सबकी योजना सबका विकास जो मूल अवधारणा है उसमें अभियान चलाया जाएगा, ये कब तक चलाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 2 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। इसका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो ग्राम पंचायत विकास योजना की ये कार्य योजना तैयार के लिए इसे इससे रिलेटेड है ये सबकी योजना सबका विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण समृद्ध कृषि और जागरूकता कार्यशाला योजना कहाँ आयोजित की गई थी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। भोपाल में इसका आयोजन हुआ था, तो इसका आंसर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें तो महिला मध्य प्रदेश महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस जी द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जो कि भोपाल के बात्सल्य भवन भोपाल में महिला विकास विभाग द्वारा इसका 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। ये कब से, 15 से 15-16 तारीख को ये सितंबर में ये आयोजित किया गया था भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए प्रोत्साहन स्वरूप देगी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 2 लाख रुपए देगी जो विधवा पुनर्विवाह होगा। और विधवा को एक मध्य प्रदेश ने नाम दिया है कल्याणी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कल्याणी पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए का प्रोत्साहन देगी। तो ये 2 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और बात करें तो जो पेंशन है एक तरह से प्रतिमा 300 रुपये, जो 18 से 79 वर्ष की जो 79 वर्ष की जो विधवा है कल्याणी है, उनको महिलाओं को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान कब से कब तक चलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 15 से लेकर 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया गया। और बात करें तो ये कहाँ, ये बात करें तो ये पूरे देश में, मध्य प्रदेश के साथ ये पूरे देश में भी ये स्वच्छता सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अगली है, राजमाता विजय राधे सिंधिया हॉकी कप टूर्नामेंट का आयोजन कौन से खेल परिषद में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल परिषद भोपाल में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो ये हॉकी टूर्नामेंट कप है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था, राजमाता विजय राधे सिंधिया कृषि महाविश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये जो है ग्वालियर में है और इसकी स्थापना वर्ष आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2008 में इसकी स्थापना वर्ष है। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में RCVP नरोना प्रशंसा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये है भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो राजनीतिक दल हैं उसके लिए ये अकेडमी तैयार की गई, ये कार्यशाला है, तो इसका जो अकेडमी है ये भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मंदसौर जिले में है। ओके, तो मंदसौर जिले में, और मंदसौर किस लिए फेमस है, यहाँ पर क्या अफीम की खेती की जाती है, मंदसौर हुआ, नीमच हुआ, तो यहाँ पर ये रतलाम। ओके, तो यहाँ पर अफीम की खेती भी की जाती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि शामगढ़ सुभाषरा सूक्ष्म शहरी योजना की लागत कितनी रही। तो लागत भी आपको याद रखना, लागत जो रही है वो रही है 1662 करोड़ रुपए। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB ने मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कौन इस कहाँ पे मंजूरी प्रदान की है, ये जो है ना इंदौर और भोपाल। ओके, तो इन दो जगह पे ये इनके मेट्रो परियोजना पर बात करें तो मंजूरी दी है। और नगरीय विकास और आवास मंत्री कौन है, तो श्रीमती माया सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्मार्ट सिटी कितनी है, स्मार्ट सिटी 7 हैं, 2 मिनी स्मार्ट सिटी हैं जिसमें कौन कौन सी, गंजवासदा और सिटी, तो 2 ये हैं, बाकी पूरी टोटल मिला के 9 हो जाती हैं एक तरह से, 2 स्मार्ट सिटी मिला दी जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन में शूटिंग में रजत पर हासिल करने वाली मनीषा कीर किस जिले से हैं। तो मनीषा कीर ये जो है इसका आंसर हो जाएगा भोपाल जिले से हैं, और इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन शूटिंग में रजत पद हासिल किया, और इनका याद भी रखना है किससे, शूटिंग से रिलेटेड है मनीषा की। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पार्षडो बांध कहाँ पर है। तो पार्षड बांध की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये जो है इसका हो जाएगा बैतूल में। ओके, तो ये बैतूल के मुलताई में है, और बैतूल में से क्या कौन सी नदी निकलती है, जो ताप्ती नदी है वो निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है, स्वीप का फुल फॉर्म क्या है। तो स्वीप का फुल फॉर्म है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, तो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन। तो ये किस लिए है, ये एक आगामी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक तरह से, वोटर सिस्टमेटिक एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन, इलेक्शन में जो गतिविधियां होने वाली हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए ये आगामी चुनाव को, ये एक प्रशासन में प्रबंधकीय अकेडमी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। तो ये स्वीप आप याद रखना, इसका फुल फॉर्म सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, देश की वयोवृद्ध सिंगनी जमुना की मृत्यु कितने वर्ष जीवित रहने के पश्चात हुई है। तो ये एक बात करें सिंगनी यानी जो से सिंगनी शेरनी जो रहती है उसकी बात कर उसका बोला गया है, तो ये भोपाल के वन विहार में इनकी मृत्यु हो गई, ये 25 वर्ष की हो गई। और वैसे बात करें तो एक एवरेज आयु रहती है शेरों की वो रहती है 14 से 15 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला है, नर्मदा झाबुआ पेटलावाद माइक्रो उद्घन सिंचाई परियोजना की लागत कितनी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2050.70 करोड़ जो है वो नर्मदा झाबुआ पेटलावाद माइक्रो धन सिंचाई परियोजना की लागत है। और ये किस जिले में, जो शिलालेख रखा गया है झाबुआ जिले के पेटलवा में शिलान्यास किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये था सितंबर माह का करेंट अफेयर्स, इसके आगे का एक और वीडियो देखेंगे उसमें आपका पूरा, दो वीडियो में सितंबर माह का पूरा करेंट अफेयर्स एक बात करें तो पूरा आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया होगा और एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाके उसे ज्वाइन करके इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।